ये रेसिंग ट्रैक खिलाड़ियों की जिंदगी, इन ट्रैक्स ने खिलाड़ियों के कदमों में देश की धड़कन सुनी है। इन ट्रैक्स ने खिलाड़ियों के पैरों में घिसे पिटे जूते देखे हैं तो उनके गले में सोने चांदी के मेडल्स भी। इन ट्रैक्स ने सब कुछ देखा है, खिलाड़ियों की मेहनत देखी, लगन देखी, स्ट्रगल देखा तो कॉन्फिडेंस भी देखा है, क्योंकि इन ट्रैक्स पर खिलाड़ी अकेला नहीं दौड़ता, उसके सपने और हकीकत साथ साथ दौड़ते। मेरे पूरे कैरियर में वनडे क्रिकेट में 15 शतक हैं और ये 20 साल की लड़की, इन्होंने अभी तक 15 नेशनल और स्टेट रिकॉर्ड बनाए हैं अपने नाम। तो उम्मीद करता हूँ जब ये रिटायर होंगी तो शायद इनके नाम सचिन तेंदुलकर की तरह 100-100 जैसे उनके हैं, इनके भी शायद इतने सारे रिकॉर्ड होंगे। मुझे और मेरे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी लाइफ में ये खेल जो है ये क्या मायने रखता है? मेरी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स के अलावा कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स से मेरा सब कुछ है, क्योंकि स्पोर्ट्स से बजे जाज में सब कुछ पाया मैंने। मेरे फैमिली भी, बैकग्राउंड भी, सिचुएशन अच्छा आया और काफ़ी नाम भी मिला। आप में और दूसरे जो स्प्रिंटर्स हैं उनमें क्या फ़र्क है? मेरी खर्च तो कुछ अलग बात नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी इवेंट कर चुकी हूँ। मैं पहले माराथन रनर थी, माराथन के बाद फिर मिडिल डिस्टेंस को आया, 800 और 1500 भी कर रही थी, फिर 800 से फिर 400 200 के अभी स्प्रिंटर बनी। तो मेरे ख्याल से एक ही चीज़ बहुत बड़ी होता है, स्पोर्ट्स पर्सन का प्रॉपरली रेस्ट और प्रॉपरली ट्रेनिंग, वो दोनों मेरे को कभी भी कमी नहीं हुआ। बचपन से फैमिली छोड़ के अभी तक मैं बाहर रहकर ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में तो भाई 3-4 बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट मिल चुके हैं मैंने, फिर भी मैं स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रख रहा हूँ कि मेरे भगवान मुझे जो इसके लिए भेजा है, देश के लिए मैं कुछ करके दिखाऊँ, तो उसी सपना को लेकर मैं सबसे आगे आगे बढ़ते जा रही हूँ। तो वही मेरे ख्याल से थोड़ा फ़र्क है। दुती जी, 17 साल की उम्र में IAF में एंटर करने वाली आप पहली भारतीय महिला बनी, तो कैसा लगा आपको? मुझे तो इस टाइम बहुत खुश लगा कि जो 100 मीटर में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, IAF वर्ल्ड कंपटीशन में मैं पहली बार पार्टिसिपेट और अब सेमीफाइनल क्वालिफाई किया था मैंने, बहुत अच्छा लग रहा था। कि जो टाइमिंग दिया था इस टाइम 11.63 दिया था, जो नेशनल रिकॉर्ड बना, मुझे और उम्मीद आया कि हाँ मैं 100 में पूरा कॉन्सेंट्रेट करूँगी तो एक दिन में ओलंपिक खेलेंगे, और वो सपना ही मेरा पूरा हुआ, 100 में भी ओलंपिक खेला मैंने। रियो ओलंपिक का जो एक्सपीरियंस था आपका, वो कैसा रहा? रियो ओलंपिक तो पहली बार ओलंपिक पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर में खुश लग रहा था कि ऑल स्पोर्ट्स पर्सन का एक सपना होता है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, जो सपना मेरा पूरा हुआ। और मैं जब इधर गया, मुझे बहुत सारे बड़ा बड़ा जो एथलीट का नाम सुना था, पेपर टीवी में देखा था, इनका नज़दीक में देखने के लिए मिला, इनका साथ बातचीत करने के लिए भी मौका मिला। जैसे हमेशा सिटी के एरिया में मेला होता है, ऐसे एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है मुझे, हॉल कोने कोने से बच्चे लोग आए थे। मैं ज़्यादा उसन बोल्ट को लाइक करती हूँ और ऐसे लीक को भी, इन दोनों को नज़दीक लग पाके बहुत अच्छा लगा मुझे, इनसे कुछ सीखने का चीज़ भी मुझे मिला। आपको याद होगा 1984 के ओलंपिक में पीटी उषा 1 सेकंड के 100वें हिस्से से ब्रॉन्ज मेडल लाने से चूक गई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस में 1-1 सेकंड की क्या इंपॉर्टेंस है और इस 1 सेकंड को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, टाइमिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये एक कोच से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और दुती चंद के कोच इसी काम में दिन रात लगे हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी श्री नागपुरी रमेश। मुझे दुती के बारे में पहले बताइए कि वो कैसी स्टूडेंट है। तो ये कहना चाहता हूँ दुती के लिए, तो ये यूनिक स्टूडेंट है जो हमेशा कंपटीशन को लाइक करती है और आखिरी दम तक लड़ती है। मेरे कैरियर में ऐसा खिलाड़ी तो एक ही देखा है जो कंपटीशन को ज़्यादा लाइक करते हैं, ट्रेनिंग को कम। वाह, तो आपका कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा, जितना टफ कॉम्पिटिशन उतनी बेहतर उनकी परफॉर्मेंस बाहर निकलती।
अच्छा मुझे बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में आपको उसमें भाग नहीं लेने दिया गया, वो क्यों, क्या वो कहानी थी? मैं तो इस टाइम में 3 कॉम्पिटिशन के लिए सिलेक्ट हुई थी, जैसे कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम और जूनियर का वर्ल्ड चैंपियनशिप जो यूएसए में होने वाली थी इस टाइम में। तो सिर्फ 3 दिन से पहले मुझे कहा गया कि तुम एलिजिबल नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं जा सकते। लेकिन किस कारण से मुझे निकाल देगा इसका किसी को भी नहीं पता था। अब मुझे इस टाइम बहुत अंदर से डर लग रहा था कि डोपिंग के वजह से शायद मुझे निकल दिया गया क्या। फिर बाद में जब घर में आया तो धीरे धीरे पता चला कि हाइपरएंड्रोजन होता है क्या है, तो इसी के कारण से मुझे निकल दिया। तो इस टाइम में बहुत अकेले हो गई थी, टूट भी गई थी अंदर में, और पब्लिक बोलने लगा कि दूती लड़की नहीं है, लड़का है, तो इसलिए इसको निकल दिया गया। जिस स्पोर्ट्स के लिए फैमिली छोड़ के, सबको छोड़ के मैं जाके इतना मेहनत करके देश के लिए नाम कमाया, वही देश ने, वही लोगों ने मुझे बुरा हालत करके पूरा ठीक दिया, ऐसा क्यों कर लिया? आपने कब डिसाइड किया कि अब सहना नहीं है, बस अब इसके खिलाफ मुझे लड़ना है? मैं तो अकेले कुछ नहीं कर पाया, सबको रिक्वेस्ट किया, हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, हमारा वॉलपिंग एसोसिएशन, उनको रिक्वेस्ट किया कि ये जो उन्होंने किया गलत किया है, आप थोड़ा मदद कीजिए। लेकिन उन्होंने तो पहले मुझे मदद नहीं दिलाया, बोला कि नहीं हम क्या करें, रूल में जो है वही तो करेंगे। फिर पायसिन मैडम ने खुद मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझे पूरा बाकी जो चीज़ के बारे में कुछ समझाया मुझे। मुझे किसको ऊपर इस टाइम में बिलीव नहीं आया था, लेकिन खुद ने आया, मैं बोला आप मिलना चाहते हो तो आप मेरे घर आ सकते हो, तो वो आके मुझे मिला। उनके खुद के बारे में बताया कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ जो हाइपरएंड्रोजन के ऊपर मैं इंक्वायरी करती हूँ, तो मैं तुझे बहुत मदद कर सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हम डायरेक्ट साई को अप्रूव करेंगे, वो मदद मांगेंगे, वो गवर्नमेंट हमको मदद देंगे, तो हम एक केस हम लड़ सकते हैं। केस तो अभी तक जीता नहीं, क्योंकि अभी केस अभी भी चल रहा है मेरा, फाइनल केस नहीं हुआ। लेकिन इस टाइम जब मुझे प्रूफ मिला कि हाँ तुम खेल सकते हो, ये रूल कुछ दिन के लिए हट गया है, तो बहुत अच्छा लगा कि मैं जिसके लिए फाइट किया था इसका मुझे मिला। मेरे जैसे एथलीटों को भी बंद कर गया था, जैसे सराश्वती मेरे वजह से वो भी फिर से ट्रैक पर वापस आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे वजह से और 2-3 एथलीट को बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, उन उतार चढ़ाव में आपको किसने मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आपकी लाइफ में? मेरे लाइफ में तो मोटिवेट बहुत काफ़ी लोग मुझे मदद दिया है, ज़्यादा करके स्पोर्ट्स पर्सन होता है जो फाइनेंस सपोर्ट, हमारा जो KIT यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है डॉक्टर सुषमा सर ने, उन्होंने मुझे फाइनेंस सपोर्ट बहुत दिया, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस टाइम में भी दिया, और ओलंपिक एसोसिएशन भी दिया। तो बहुत ऐसे जैसे गोपी चंद भैया है, 2014 में जो मेरा केस हुआ, मुझे हॉस्टल से निकल दिया गया था, गांव में थे, उन्होंने बोला कि मुझे खुद के एकेडमी में रुक के मुझे ट्रेनिंग दिला, काफ़ी रहना खाना पूरा फ्री कर दिया, अभी तक भी फ्री दिया है, पैसा भी एक भी नहीं लिया। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।